फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो होने जा रहा था T20 मैच के, उस मैच के बारे में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, उस मैच में इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या कैप्टन करते हुए फिर से एक बार टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने निकले, लेकिन उनके साथ अब ओपनर ईशान किशन के साथ इस बार ओपनर करते हुए आए संजू सैमसन ने। तो संजू सैमसन ने तो बहुत देर के लिए खेला, लेकिन ईशान किशन इस बार कुछ अच्छा नहीं कर रहा। पहले 4-5 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उनके पहले आए हुए दीपक हुडा ने बहुत अच्छी, दीपक हुडा और संजू सैमसन ने एक अच्छी शुरुआत देकर संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 77 रन और दीपक हुडा ने अपनी इंटरनेशनल कैरियर में पहली बार के लिए सेंचुरी लगाकर इंडिया का वो चौथा बन गया जो T20 कैरियर में सेंचुरी लगा चुके हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा, सुरेश रैना, KL राहुल और दीपक हुडा, वो 4 जन बन गए जो T20 कैरियर में सेंचुरी बना चुके। इसी के साथ इंडिया ने टोटल 225 रन बनाकर आयरलैंड को टोटल 225 रन का 25 रन का टारगेट दे चुका है। लेकिन आयरलैंड का कैप्टन ने बहुत अच्छा पारी खेल के सिर्फ 37 गेंदों पर 60 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत दे दी है। लेकिन उमरान मलिक, रवि बिश्नोई और भुवनेश्वर कुमार की एक एक विकेट लेकर इंडिया को जीत के द्वार में शामिल कर चुका है। इसी के साथ इंडिया ने चार रन के मैच जीत चुका है और मैन ऑफ द मैच ऑन मैरमती सीरीज दीपक हुडा के घोषित किया गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।